स्वर्णिम विजय मशाल पश्चिमी और पूर्वी लद्दाख से 30 दिनों की यात्रा के बाद 19 अगस्त को ले पहुंची। मशाल का ले में स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर सीजी अरुण द्वारा स्वागत किया गया और ले के सैनिकों और अधिकारियों की उपस्थिति में प्रतिष्ठित ले युद्ध स्मारक पर लेफ्टिनेंट जनरल पीजे के मेनन व अन्य ऑफिसर्स को सौंप दिया। वहीं इस मौके पर सभी रैंकों की ओर से माल्यार्पण किया गया। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के खिलाफ MBBS सीटों की आड़ में पाकिस्तान भेजे कश्मीरी युवाओं से मोटी रकम लेकर आतंकी गतिविधियों में लगाने के आरोप में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों से पैसा लेकर कश्मीरियों को ही मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों को इस पर सोचना होगा और जागना पड़ेगा। लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर द्वारा तिस्कित से तुतुक तक एक व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान का आयोजन बैटल ऑनर तुतुक 1971 के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। ये राफ्टिंग अभियान 19 से 23 अगस्त तक आयोजित किया गया है। अभियान दल में एक अधिकारी, एक JCO, 12 अन्य रैंक शामिल थे जिन्होंने कुल 90 किलोमीटर की दूरी तय की। जम्मू में वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे के उपलक्ष्य में फोटोग्राफर्स यूनियन जम्मू द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में फोटोग्राफर्स द्वारा ब्लड डोनेट किया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर शांति व समृद्धि का पर्याय बन रहा है। जम्मू कश्मीर के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में जल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को समय से पूर्व सुनिश्चित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए हर घर जल हर जल स्वच्छ मिशन के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर में अब तक 22,422 स्कूलों और 23,926 आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से शुद्ध पेयजल की सप्लाई हो चुकी है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के बलिदान की याद में दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के गंगू इलाके में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्य मुहर्रम का जुलूस गंगू सचान से शुरू हुआ और स्थानीय कब्रिस्तान में समाप्त हुआ। मुहर्रम के जुलूस में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। पुलिस के अलावा नागरिक प्रशासन द्वारा COVID-19 महामारी के बीच कड़ी सुरक्षा, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के बलिदान की याद में पुंछ में एक शोक जुलूस निकाला गया। 10वें मुहर्रम जुलूस में पुंछ में सैकड़ों शोखियों ने भाग लिया और हजरत इमाम हुसैन और उनके सहयोगियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं और वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने की दृष्टि से जम्मू कश्मीर बैंक ने डोडा जिले की शाखा प्रेमनगर के मोहल्ला तहसील में एक आसान बैंकिंग इकाई EBU शुरू की, जिसका उद्घाटन DC डोडा विकास शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर DC ने बैंक का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जताई कि लोगों को बेहतरीन वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होंगी। जम्मू संभाग के रजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर शहीद हो गए। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इस मुठभेड़ में एक आतंकवादी को भी मार गिराने में सफलता पाई है। सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि थाना मंडी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान राष्ट्रीय राइफल के एक JCO को गोली लग गई। उन्हें नजदीकी चिकित्सा केंद्र ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी इस दौरान मार गिराया है। मारे गए आतंकी की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है।